हेलो एवरीबॉडी डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंफ्यूजिंग पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ विच इज रेयरली टॉट यू इन द क्लासरूम्स। सो वॉच वन बाय वन बिकॉज दीज ट्रांसलेशन आर गिवेन टू बी चेंज इन टू पैसिव वॉइस स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो वॉच वन बाय वन। देखिए, इसमें प्रीपोजिशन आता है और प्रीपोजिशन को कैसे एडजस्ट करते हैं, कहीं कहीं बाय नहीं लगता है क्योंकि उस वर्ब के बाद हमारा जो प्रीपोजिशन आता है वो प्रीपोजिशन लगाया जाता है। देखिए, वॉच, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, नो के बाद टू आता है इसलिए बाय नहीं आएगा, राइट। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा यू और यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें सहायक क्रिया इज एम आर आती है, तो मैंने यू के हिसाब से आर लगा दिया, राइट। तो यू आर, नो की थर्ड फॉर्म नोन, टू आई की जगह मी आ जाएगा। अब बाय मी नहीं आएगा डिफरेंट, नोन के बाद टू आता है इसलिए टू आएगा, राइट। कोई पूछ सकता है और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो यू विल गेट इंस्ट्रक्टेड, राइट। सो वॉच, तो आई नो यू, यू आर नोन टू मी, ओके। नेक्स्ट है एडवांस पैसिव वॉइस, योर वर्क प्लीजेस मी, आई, मी की जगह आई आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, आई एम प्लीज्ड एट योर वर्क, ओके, नॉट बाय योर वर्क, प्लीज के बाद एट आता है नॉन लिविंग के लिए, एट योर वर्क। नेक्स्ट है This bag contains old clothes. इस बैग में पुराने कपड़े होते हैं, राइट, या यह बैग पुराने कपड़े रखता है। तो क्या होगा, पहले आपका क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा ओल्ड क्लॉथ्स, फिर आर आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि बहुवचन है इसलिए आर आ जाएगा। तो ओल्ड क्लॉथ्स आर कंटेंट की थर्ड फॉर्म, कंटेंट, कंटेंट के बाद प्रीपोजिशन आता है इन, इसलिए इन आएगा, बाय नहीं आएगा, इन दिस बैग, राइट। बड़े कंफ्यूजिंग पैसिव वॉइस, ध्यान से देखिए। अगर आप टीचर हैं तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, कोई भी स्टूडेंट आपको पूछ सकता है, टेस्ट ले सकता है आपका। नेक्स्ट है द पुलिस अरेस्टेड मी, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जहां पुलिस होता है या एवरी होता है, एवरीवन होता है, नन होता है, एवरीबॉडी होता है, तो डियर फ्रेंड वहां पर हम सब्जेक्ट नहीं लगाते, जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। वॉच, द पुलिस अरेस्टेड मी, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, तो मी की जगह क्या सब्जेक्ट आ जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें वाज आ जाएगा, आई वाज अरेस्टेड, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, बस बाय पुलिस लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अरेस्ट तो पुलिस ही करती है, तो जरूरी नहीं है कि पुलिस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर शो करें, राइट। हमें उसके एक्शन को शो करने की जरूरत है कि पुलिस ने जो काम किया उसके एक्शन को हम शो करें, राइट। तो आई वॉज अरेस्टेड, बस। नेक्स्ट है द पीपुल स्पीक इंग्लिश, जहाँ द पीपुल होता है उसको भी नहीं लिखा जाता, राइट, द पीपुल सब्जेक्ट को बाय द पीपुल नहीं लिखा जाता, राइट, क्योंकि अंडरस्टूड होता है। तो क्या है, द पीपुल स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश, फिर इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, बस बाय पीपुल की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये अंडरस्टूड स्टूड है, आदमी ही अंग्रेजी बोलते हैं, लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, तो लगाने की जरूरत नहीं होती सब्जेक्ट, राइट, ओके। एवरीवन शुड स्पीक द ट्रुथ, हर एक को सच बोलना चाहिए। अब एवरीवन जहां लगा होता है वहां बाय एवरीवन नहीं लगाया जाता, राइट। तो क्या होगा, द ट्रुथ पहले आ जाएगा, शुड की जगह शुड बी आ जाएगा, स्पीक की जगह स्पोकन आ जाएगा, तो द ट्रुथ शुड बी स्पोकन, राइट। अगला देखिए, नन, नन जब होता है तो बाय नन कभी नहीं लगाया जाता, राइट। तो नन लव्स मी, मुझे कोई नहीं चाहता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, मी की जगह आई आ जाएगा, आई, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी एम, आई एम
नॉट लव्ड, बाई लव नहीं आएगा, राइट। अब अगला है शी स्टेयर्स एट मी, वह मुझे घूर कर देखती है, तो मी की जगह सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, आई एम स्टेयर्ड एट बाई हर। ओके, अ पेंट कवर्ड द लॉक, पेंट कवर्ड माई पेंट, कुछ भी ले सकते हैं, पेंट कवर्ड द लॉक वॉज कवर्ड विद द पेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी लुक्ड एट माई डॉग, उसने मेरे कुत्ते की ओर देखा, कुत्ते को देखा, तो माई डॉग वॉज लुक्ड, लुक के बाद एट आता है इसलिए एट लगाना पड़ेगा आपको, फिर बाई शी का, आई एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, मैंने मैच को जीतने की उम्मीद की थी, तो जब आई एक्सपेक्ट होगा तो इट वॉज एक्सपेक्टेड आ जाएगा, राइट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है इसलिए वॉज लगेगा, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड और आई की जगह बाई मी टू विन द मैच, पूरा यही लिख दिया जाएगा। ओके, आई एक्सपेक्ट टू विन द मैच, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई मी टू विन द मैच, राइट। स्मोक फिल द रूम, स्मोक ने यानी धुमे ने कमरे को भर दिया, तो क्या होगा, द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक नॉट बाई, क्योंकि फिल्ड के बाद विद भी प्रश्न आता है इसलिए आप बाई नहीं लगा सकते। अगला देखिए, समबडी स्टोल माई मनी, किसी ने मेरे पैसे चुराए, तो माई मनी वॉज स्टोलन, समबडी लगा है तो बाई समबडी नहीं आता, राइट। देखिए नेक्स्ट है, द फार्मर्स ग्रो द वेजिटेबल्स, किसान सब्जियां उगाते हैं, तो द वेजिटेबल्स आर ग्रोन, सब्जियां उगाई जाती हैं, अब किसान के द्वारा, ये तो अंडरस्टूड चीज है इसलिए इसको बोलने की जरूरत नहीं है पैसिव वाइज। ओके, देखिए अगला, ही इज गोइंग टू ओपन द शॉप, दुकान खोलने जा रहा है, तो क्या होगा, द शॉप इज गोइंग टू बी ओपेंड बाई हिम। ओके, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, गोइंग टू के सेंटेंस बनाइए और उसको पैसिव वॉइस करिए, ठीक इसी स्ट्रक्चर पर, राइट। दिस इज द टाइम टू वर्शिप गॉड, ये समय, यही समय भगवान की पूजा करने के लिए है, तो दिस इज द टाइम फॉर गॉड टू बी वर्शिप्ड, ऐसे बने, राइट। दिस इज द टाइम टू ओपन द शॉप, दिस इज द टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। ओके, दिस इज द टाइम टू वॉश द क्लॉथ्स, दिस इज द टाइम फॉर द क्लॉथ्स टू बी वॉश्ड, ऐसे बने, राइट। दे से दैट द अर्थ इज राउंड, वे कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, जब वे कहते हैं ऐसा आ जाएगा दे से दैट, तो इसकी जगह पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इट इज सेड दैट लिखना पड़ेगा और बाकी आगे वाला जो पार्ट है वो ही लिख दिया जाएगा। तो दे से दैट द अर्थ इज राउंड, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड, आई होप इट इज क्लियर, देर आर सो मेनी सेंटेंसेस विच वर कंफ्यूज्ड, आई विश्ड टू हैव ब्रॉट ऑल दीज कंफ्यूजिंग थिंग्स बिफोर यू सो दैट यू मे अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर एवरीबडी। तो ये सारी चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट। विच प्रॉब्लम ब्रॉट यू हियर, किस समस्या से आपको यहाँ आना हुआ, तो जब व्हाट प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा डियर फ्रेंड, बाय व्हाट प्रॉब्लम आ जाएगा, वर यू ब्रॉट हियर, व्हाट प्रॉब्लम ब्रॉट यू हियर, बाय व्हाट प्रॉब्लम वर यू ब्रॉट हियर, राइट। द ऑफिसर एनॉयड एट माई टेम्परामेंट, माई टेम्परामेंट वॉज एनॉयड एट बाय द ऑफिसर, ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही टिपिकल होते हैं, राइट। तो इनकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है, इज इट राइट। शी गेव आर्म्स टू द पुअर, उसने गरीब को दान दिया, तो क्या होगा, द आर्म्स वर गिवन टू द पुअर बाय हर, राइट। तो इस टाइप से आई होप
यू विल कंटिन्यू प्रैक्टिसाइजिंग ऑल दिस कंफ्यूज्ड पैसिव वॉइसेस. आई विल बी इन टच विद यू विद न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम. टिल देन ऑल द बेस्ट.